एक लम्हा, एक घटना, एक दिन, जिंदगी में कई चीजें बदल सकता है। और जब कई चीजें बदलती हैं, तो कई जिंदगियां भी बदलती हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कोई एक चीज को एक करता है और भुगतते हैं कई सारे, अक्सर हमेशा के लिए। और भुगतने वाले को पता भी नहीं होता कि आखिरकार हुआ क्या था। मेरी कहानी दिशा वर्तक बताएगी, बताएगी कि किस तरह मेरी दुनिया बदल गई और मुझे इसकी भनक तक नहीं थी। अरे रानी, चलो दूध पियो अपना। आई, मैं खेल रही हूँ। खेलना बाद में, पहले दूध पियो, बिस्किट खत्म करो, चलो जल्दी खत्म करो। अरे आई, लाओ मैं कर देती हूँ। काम नहीं करूंगी तो जोड़ों में जंग लग जाएगा मेरे। तू भाजी घ्यूनिये लाकर। ठीक है आई, लाती। दिशा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। हाँ तो लगाते रहे फोन। दिशा अपना मोबाइल बंद नहीं रखती है कभी। ठीक है। दिशा जा कहाँ रही थी? और निकलते हुए कुछ कहा उसने? नहीं, बस उसने बस इतना बोला था कि वो 7 बजे तक वापस आ जाएगी। और शिल्पा से बात हुई? हाँ, सबसे पहले उसी को कॉल किया था अरविंद। नहीं ताई, दिशा तो आज ऑफिस नहीं आई। उसने तो ऑफ लिया हुआ था ना आज। शिल्पा, आज तुम पूरा दिन ऑफिस में ही थी। हाँ ताई, मैं रोज की तरह शाम को 6:30 बजे ऑफिस से निकल गई थी। तब तक तो दिशा नहीं आई ऑफिस। शिल्पा एक बात बताओ, तुम्हें लगता है कि वो 6:30 बजे के बाद ऑफिस गई होगी किसी काम से? ताई, मैं एक बार लैंडलाइन पर ट्राई करती हूँ, लेकिन चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आज तो उसने ऑफ लिया हुआ था ना। हाँ ठीक है, तुम सुनो नेहा, तुम शांति रखो और आई को भी बोलो कि टेंशन ना ले। मैं अभी निकलता हूँ घर से, ठीक है? हाँ अरविंद, जाने की कोई जरूरत नहीं है। आई, जाना तो पड़ेगा ना। हर छोटी छोटी बातों पर तुम्हें क्यों बुलाया जाता है? आई 11:30 बज गए, दिशा 7 बजे घर वापस आने वाली थी। आई उसका फोन भी ऑफ है, वो कभी फोन ऑफ नहीं रखती है। और आई ये छोटी बात नहीं है, ये तो मैं। हाँ, उनके घर के हर मसलों को अपना सरदर्द मत बनाओ, मत जा। उन्हें मेरी जरूरत है इस वक्त और मुझे जाना ही होगा। दिशा का फोन लगा? नहीं, उसका फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। और रानी? वो अंदर सो रही है। आई, दिशा ने कुछ तो बोला होगा जाते वक्त। कुछ बोली नहीं वो, लेकिन आज छुट्टी ली थी उसने। आई 7 तक लौटूंगी। पर किधर को जा रही है तू? कुछ काम है। लेकिन तूने तो आज छुट्टी ली थी ना? आती हूँ। 7 बजे का बोल के गई थी, 7:15-7:30 तक तो आ जाना चाहिए था। और अपना फोन भी बंद नहीं रखती है कभी। आई, पुलिस को बता दे क्या? पच्चीस साल की है, पार्टनरशिप में इंटीरियर डिजाइनिंग का फर्म चलाती है। हो सकता है अपनी किसी काम से रुक गई हो। नहीं सर, दिशा अगर कहीं भी जाती थी तो हमेशा बता के जाती थी।
और अगर ऑफिस के काम से गई होती तो उसकी पार्टनर शिल्पा को तो पता ही होता, पर उसे भी कुछ नहीं मालूम है। सर दिशा टाइम की बड़ी पक्की है, 7 बजे का रिटर्न मतलब 7 बजे आ जाती वरना फोन कर देती है, और दिशा वैसे अपना फोन ऑफ भी नहीं रखती सर। अच्छा दिशा का कोई फोटो है आपके पास? अच्छा ऐसी कोई बात या ऐसी कोई मजबूरी जिसकी वजह से दिशा घर छोड़कर जा सकती है? नहीं सर, दिशा कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। परत लाओ फोन। आई अभी 5 मिनट पहले तो लगाया था। हर 2 मिनट में लगा। आया? पुलिस कंप्लेन दर्ज की। पुलिस के लफड़े में तुझे नहीं पड़ना चाहिए था अरविंद, और वो भी उनके लिए। दिशा वर्तक का फोन रिकॉर्ड आ गया है, इसका लास्ट लोकेशन वाक्सोली शो कर रहा है। कल शाम 6:45 पे इसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। इस नंबर पे जो तुमने मार्किंग की है, क्या इस नंबर पे दिशा की बात हुई थी 4 बजे? यस सर, कल पूरे दिन में दिशा की सिर्फ इसी नंबर पे बात हुई है। मैंने ट्राई भी किया बट स्विच ऑफ जा रहा है। 444-567-382। इस नंबर की डिटेल्स निकलवाओ, मैं तब तक दिशा की बहन नेहा से पता करता हूँ कि क्या उसका दिशा से कोई कॉन्टेक्ट हो पाया। नहीं सर, अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला मुझे उसके बारे में। 444-567-382, सिर्फ इस एक नंबर से दिशा की बात हुई थी कल शाम को 4 बजे। नेहा जी क्या बता सकती हैं, कोई आईडिया आपको ये नंबर किसका हो सकता है? क्या दिशा इस नंबर वाले या वाली से मिलने वाली थी? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता है सर, वो कुछ बता के ही नहीं गई है। आंटी इस वक्त हमारा सिर्फ एक ही साइट पर काम चल रहा है, और अगर उसका वहाँ विजिट प्लान होता तो वो 100% मुझे बता देती। तो फिर वो किससे मिलने गई थी शिल्पा? आंटी मुझे सच में नहीं पता, अगर पता होता तो मैं चुप थोड़ी ना बैठती। दिशा ने इससे पहले ऐसा कभी कुछ किया नहीं। राजू जी, साने फैमिली को शेडी के लिए गाड़ी चाहिए 3 बजे। ठीक है भाव, पहुंचा दूंगा मैं। घर जाके ना इसको मैं कबर्ड में लॉक करके रखने वाली हूँ, ठीक है? अगर तू नहीं रखेगी तो मैं रख दूंगा, मुझे लेसन भी तो करना है। अच्छा बदमाश। दिशा का फोन वाक्सोली में स्विच ऑफ हुआ 6:45 बजे, और वाक्सोली आपके घर नंदवाड़ी से 15 मिनट की दूरी पर। हम उसके पहले के लोकेशन भी मैप कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो घर लौट रही। तो फिर बीच रास्ते से कहाँ चली गई, अभी तक घर क्यों नहीं आई? शायद कहीं और चली गई। वाक्सोली में कोई ऐसी जगह है जहाँ दिशा जा सकती? मुझे तो नहीं पता सर। सर 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक दिशा का फोन लोकेशन है वीर कुंभलकर गार्डन, फिर उस गार्डन से वाक्सोली की तरफ ये लोकेशन मूव होता है 6:45। और 6:45 पर ही उसका फोन स्विच ऑफ होता सर। वीर कुंभलकर गार्डन, क्या दिशा वहाँ किसी से मिलने गई थी? उसने घर पर किसी से कुछ नहीं बोला था, और लास्ट जो बात हुई थी उसकी आई से ही हुई थी। एक 25 साल की स्मार्ट इंटीरियर डिजाइनर, खुद का फर्म है, पार्टनरशिप। क्या कोई फ्यूचर लव पार्टनर भी, कोई बॉयफ्रेंड? जी नहीं या पता नहीं सर, दिशा ने कभी मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन कल दिशा ने किसी से फोन पे बात की, इस नंबर 444-567-382 पर। हम पता लगा रहे हैं ये नंबर किसका है, और उससे पहले एक जरूरी बात, क्या कोई ऐसी बात है जो हमें पता होनी चाहिए और आप नहीं बता रहे? सर हम तो आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहे, मैं बस इतना जानती हूँ कि दिशा हमें बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाती थी। लेकिन कल गई, आपकी आई ने उससे पूछा भी था कि कहाँ जा रही, और दिशा ने जवाब नहीं दिया। तो क्या दिशा को कुछ सवालों के जवाब ना देने की आदत है? अगर है तो क्यों? मुझे नहीं पता सर।
क्या कहा पुलिस वालों ने? दिशा के जिस नंबर से लास्ट बात हुई थी ना, उस नंबर के मालिक को ढूंढ रहे हैं वो लोग। भाई क्या ऐसा हो सकता है कि दिशा उससे मिल नहीं? फिर भी हमें पुलिस को बता देना चाहिए। किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, दिशा ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ काम का छोड़ के फिर उनकी चाकरी में लगा है तू? आई ये लोग तकलीफ में और मुझे इनके साथ ही रहना है। उससे तेरी आई को तकलीफ हो रही है, उसका कुछ नहीं है तुझे। आई इस बारे में हम शाम में बात करें, अभी बस मुझे यही रहना है। जिन चीजों का इस सबसे कोई ताल्लुक नहीं उसका जिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये बात हम तीनों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। पूरा मैदान खुला पड़ा। सर कहीं ऐसा ना हो कि हमें बाद में पता चले कि ये कहानी कुछ और थी या कहानी किसी और की थी। फिलहाल हमारा पहला चैप्टर है दिशा वर्तक जो गायब है, और ये फैमिली फैमिली हर दूसरे सवाल का जवाब पता नहीं मैं दे रही, लेकिन ये नेहा और अरविंद इनके चेहरे पर साफ साफ लिखा। क्या लिखा है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले पता करते हैं ये अकरम शेख कौन है। ये इस कहानी का नायक है, खलनायक है या फिर सहायक है? ऑफ कोर्स मैडम मैं जानती हूँ, अक्रम हमारा ही इलेक्ट्रीशियन है। जहाँ जहाँ हम इंटीरियर्स का काम करते हैं लगभग सारी साइट्स पे अक्रम ही हमारा इलेक्ट्रीशियन का काम करता है। बहुत अच्छा हाथ है उसका। और दिशा के गायब होने में भी अक्रम का हाथ। मतलब दिशा और अक्रम की लव स्टोरी चल रही है ना? मैडम आप ये क्या बोल रहे हो, दिशा ने तो मुझे इस बारे में एक वर्ड नहीं बताया। शिल्पा ये दिशा की फैमिली में उसके रिलेशनशिप को लेकर कौन खिलाफ था? जब मुझे इस रिश्ते के बारे में नहीं पता है तो फिर कौन घर में खिलाफ है कौन नहीं है कैसे मालूम होगा? जी कहिए। अकरम को बुलाइए। अकरम तो घर पे नहीं है। कब से नहीं? सर वो जमात में गया है, आज सुबह ही गया है। कहाँ हो रही है जमात? वो तो पता नहीं, लेकिन हर 6 महीने में वो एक बार जमात में जाता है। पर बता कर नहीं जाता कि कहाँ जा रहा है। आप हमारे अकरम के बारे में ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, कोई बात है क्या? कल शाम को दिशा वर्तक नाम की एक लड़की गायब हुई है। दिशा? दिशा गायब है? आप लोग कैसे जानते हैं दिशा को? साहब अकरम और दिशा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और दिशा तो कई दफा हमारे यहाँ आई भी है। तो दिशा कल शाम को यहाँ पर आई थी? नहीं कल तो नहीं आई थी। तो अकरम गया था उसे मिले? ये हो सकता है, वो दोनों तो लगभग रोज ही मिलते थे। पर साहब दिशा ऐसे गायब कैसे हो गई, कुछ खुल के बताइए ना। जब बात खुलेगी तभी तो खुलकर बताएंगे, अभी के लिए बस इतना ही पता है। इससे ज्यादा कुछ पता चलेगा भी कैसे, जब तक बहुत कुछ जानने वाले या फिर सब कुछ जानने वाले अपने आप कुछ बताएंगे नहीं। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारी दिशा का उस अकरम के साथ जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ था ही नहीं। प्रभा जी आप अब भी सच नहीं बोल रही हैं, अक्रम का और दिशा का अफेयर काफी मजबूती के साथ चल रहा था, कम से कम कल शाम तक तो चल ही रहा था। पहले हम भी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि अक्रम हमारा इकलौता बेटा है, इसलिए हमने ये कबूल कर लिया कि दिशा को हम हमारी बहू बना लेंगे। हमें इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं था, पर दिशा के घर वालों को था। उसकी आई उसको धमकी दे रही थी। उनका गुस्सा जायज है बेटा, फिर हमारे मजहब भी तो अलग अलग है। गुस्सा तो हमें भी आया था जब हमें पता चला कि तू किसी हिंदू लड़की से इश्क कर रहा है और उससे शादी करना चाहता है। हाँ हाँ कर ले तू अकरम के साथ शादी,
लेकिन मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना होगा तुझे इस घर से। और इतना तो तू लिख के ले ले कि एक दिन भी खुश नहीं रहेगी तू, एक दिन भी नहीं। आई, ये ड्रामा करना जरूरी है क्या? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन दिशा जीजा जी, प्लीज, मेरी लाइफ है प्राइवेट। कसला प्राइवेट का? तेरी जिंदगी मेरे अंदर से निकली है और इससे ज्यादा प्राइवेट कुछ भी नहीं। तेरे प्राइवेट प्राइवेट के चक्कर में तो इस घर की इज्जत को पब्लिक कर देगी। मैं तुला सांगुन ठेवते दिशा, तूने अक्रम के साथ लगन किया ना तो मैं अगले दिन खुदकुशी कर लूंगी। ये सिलसिला तो 2 साल से चल रहा है। वो तो कल शादी करने तैयार है पर दिशा की माँ ने जान देने की धमकी दे रखी। हमने अकरम को समझाया और फिर अकरम ने दिशा को भी समझाया कि वक्त हर चीज का मरहम होता है, वक्त के साथ सख्ती भी कुछ कम हो जाती है। हमें पूरा भरोसा था कि दिशा की आई इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे देगी। सवाल ही नहीं उठता था रजामंदी का, उल्टे दिशा ने खुद कसम खाई थी मेरे सर पे हाथ रख के कि वो उस अकरम को भुला देगी। या तो दिशा ने झूठी कसम खाई थी या फिर आप झूठ बोल रही हैं कि दिशा ने कसम खाई थी, क्योंकि दिशा अकरम से कल शाम को भी मिली थी। वो हर रोज मिलते थे, तकरीबन हर रोज। मेरी बेटी कल शाम से गायब है। जवान बेटी रात भर घर से गायब रहे, इसका मतलब समझते हैं आप? क्या बीत रही है हम सब पे, इसका चार आने का अंदाजा भी है आपको? काहे को भूले बिसरे मामले को लेकर उसके बाल की खाल निकाल रहे हैं आप? हम भूले बिसरे मामले के बाल की खाल इसलिए उतार रहे हैं ताकि हम आपकी बेटी को ढूंढ सकें, आपकी उस बेटी को जिसे आप अपनी जिद और अहंकार की वजह से शायद 2 साल पहले ही खो चुकी थी। मैंने नहीं खोया है उसे, बल्कि उसने खुद भुलाया है अकरम को। प्रभा जी, हम यहाँ पर बिछड़ेओं को मिलाते हैं, लेकिन जो पहले से मिले होते हैं उन्हें हम खंगालते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि मैंने खुद अपनी बेटी को गायब करवाया है? प्रभा जी, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, अब जो कहेंगे सबूत कहेंगे। हम सिर्फ अपनी तहकीकात करेंगे, फिर देखते हैं आप जो कह रही हैं सबूत भी वही कहते हैं या सबूत कोई दूसरी कहानी सुनाते हैं। ये फैमिली मैटर लगता है योगेश, इस वक्त तक फैमिली की डिटेल निकलो। सर, दिशा की मिसिंग कंप्लेंट उसकी बड़ी बहन नेहा और जीजा अरविंद ने की थी, दिशा की माँ प्रभा वर्तक ने नहीं। लेकिन सर, प्रभा वर्तक ये अपने घर की प्रभारी लगती है, उसकी दोनों बेटियां अपनी माँ की मर्जी को सराखों पर रखती है, तो शायद उसकी माँ ने कहा पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। पर क्या ये कंप्लेंट वाकई दिशा को ढूंढने के लिए करवाई गई है, इसका मकसद कुछ और है? जो भी है, पहले जरा इस अकरम को ट्रैक डाउन करते हैं। इसका वो क्या बोलते हैं, जमात का प्रोग्राम कितने दिन का होता है? उसके पेरेंट्स ने 3 दिन का है सर, आज गया है वो। लेकिन सर, उसके पहले भी हम काफी कुछ ट्रैक डाउन कर सकते हैं। तो फिर लग जाओ काम पे। एक 25 साल की प्रोफेशनल लड़की अचानक गायब हो जाती है एकदम से, और किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। हमारे सामने एक इंटरलीजन लव स्टोरी है जो 2 साल पहले शुरू हुई, लेकिन अगर उन दोनों को भागना होता तो वो 2 साल पहले भाग गए होते। ये माजरा क्या है? मुसलमान लड़का? अरे नाना, उसके बारे में तो कॉलोनी में कुछ नहीं सुना। तो फिर क्या सुना? वही जो कॉलोनी में सब लोग बोल रहे हैं, दिशा है ना, 3 दिन से गायब। उसकी आई कैसी औरत है प्रभा वर्तक? प्रभा ताई तो अच्छी है, हाँ, लेकिन लोहे की मुट्ठी है। क्या है, दोनों बेटियों को उसने पाल पोस के बड़ा किया है ना, और ऊपर से बड़ी बेटी नेहा है ना, उसकी शादी फ्लॉप हो गई। शादी फ्लॉप? ये बड़ी वाली का माजरा क्या है? घर की बात बाहर वालों के सामने करने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी पूरा मोहल्ला मिर्च मसाला लगा के फैलाएगा खबर को। अकरम के बारे में ना तो मैंने बताया ना तो अरविंद ने, वो तो पुलिस को दिशा के नंबर से पता चला कि वो अभी भी अकरम से बात कर रही है। सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं है कि वो पति पत्नी अलग अलग क्यों रहते हैं। मैंने एक बार नेहा से ना पूछा भी था। तो क्या बोलियो? कुछ नहीं, उसने मेरे सवाल को ही उल्टा घुमा दिया और मैंने भी ज्यादा नाक नहीं घुसेड़ी बीच में। अच्छा, ये रानी जो है उन दोनों की बेटी है ना?
हाँ मतलब सबके सामने तो यही कहते हैं वो, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी ना। जितना भी तू उनके मसलों में साथ देगा उतने ही एक के बाद एक सवाल सामने आते रहेंगे। आई अब जो है सो है, और बात भी उन्हीं चीजों के बारे में उठ रही है जिनके बारे में उठनी ही है। आई सवाल भी उठेंगे और उसके जवाब भी देने होंगे। तू खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं गया आई, कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए लेकिन हो जाती। अब क्यों होती वो भगवान ही जाने, लेकिन आई हो जाती है। सर मैं आपको पहले दिन से ही बताना चाह रहा था कि दिशा और अक्रम का रिलेशन कभी टूटा ही नहीं था। तो अक्रम के साथ कहीं भाग गई? सर भागना होता तो 2 साल पहले ही भागती। तो कुछ और माजरा है? पता नहीं सर। पता नहीं तो हमें अक्रम के बारे में बोला गया था, पर फिर भी हमने पता लगा लिया, और अब हमें पता चल रहा है आपकी और नेहा की शादी के बारे में। एक मिनट सर, एक मिनट। आप ये जानना चाहते हैं कि नेहा और रानी नेहा की आई के साथ क्यों रहते और मैं अपनी आई के साथ क्यों? बिल्कुल, क्योंकि जगह की तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। सर लेकिन इसका दिशा के प्रॉब्लम से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका ताल्लुक है नेहा से, नेहा का ताल्लुक है दिशा से, बाकी किसका किससे क्या ताल्लुक है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। सर मेरी और नेहा की लव मैरिज हुई थी 7 साल पहले, और मेरी आई को नेहा नामंजूर थी। उसको ये बात हजम ही नहीं हुई कि मैंने नेहा को पसंद कर लिया, और इसलिए हमने दोनों साइड को बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली। नेहा की आई राजी हो गई लेकिन मेरी आई अभी तक अड़ी हुई है, और इसलिए मेरा एक पैर ससुराल में रहता है और दूसरा मेरी आई के घर। लेकिन इसका दिशा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। तो क्या इसका ताल्लुक दिशा की आई प्रभावर्तक से? क्या दिशा की आई नहीं उसका कत्ल करवा दिया? ये कैसा सवाल है सर? क्योंकि अगर दिशा अक्रम से शादी कर लेती तो दिशा की आई को खुदकुशी करनी पड़ती, और शायद उन्हें वो करना नहीं, इसलिए उन्होंने दिशा को ही मरवा डाला। प्रभा भाई दोनों बेटियों से बहुत प्यार करती है, जान देती है। हाँ थोड़ी सख्त है लेकिन मारना वारना तो हो ही नहीं सकता सर। और दिशा और उसकी आई के बीच में बहुत महाभारत हुए, लेकिन दिशा हमेशा से ही उनकी लाडली रही क्योंकि दोनों एक जैसी है। काएगा कुसुम, हमारे घर की बात को इतना काहे को उछाल रही है तू? कोई काम धंधा नहीं है तेरे को? अहो काकू, दरअसल मैं ही उनसे पूछ रहा था, मैं पुलिस का खबरी हूँ ना। तो जाके बोलना अपने साहिब को कि जो कुछ पूछना है मेरे को आके पूछे सीधे सीधे, अजनबियों से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं मारेगी दिशा को? हाँ इतनी घटिया सोच है पुलिस वालों की। देखो प्रभात भाई, कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ अगर राहु देने का तू गप लड़ाने का बहुत शौक है ना तेरे को, तो लड़ा कर, पर इतना याद रखना कि तेरी बेटी बड़ी हो रही है और उसके बारे में मैं ऐसा कुछ न बोलूंगी और ना ही ऐसा चाहूंगी। चल जा, तेरे घर में वैसे भी महाभारत कम नहीं है, उसको संभाल। और हाँ खबरी, अब बोल तेरे को क्या खबर चाहिए? वो कुछ नहीं। तो अब फिर से इस मोहल्ले में दिखने की जरूरत है? नहीं। चलने का। बिल्कुल मेरे सामने ही है। अक्रम ने हमें जो बताया वो कहानी थी या हकीकत, ये बात की बात थी, क्योंकि इस केस में हर कोई अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, पर ग्राउंड रियलिटी ये थी कि 12 फरवरी को दिशा गायब हुई और 16 तक नहीं लौटी थी, और हमारे पास एक भी सुराग नहीं था उसे ढूंढने के लिए। क्या बात कर रहे हैं सर आप लोग मुझे क्यों पकड़ के लाते हो, वो भी कहां से? जहां तुम भाग कर जाते वहां से। मैं भागता क्यों सर?
प्लानिंग में सिर्फ दिशा का भागना है। कैसा प्लान सर? यहाँ मेरी हालत खराब हो रही दिशा की बात सुन के। कुछ बताओ ना क्या हुआ है। 12 तारीख को 4 बजे दिशा की एक आदमी से बात हुई थी और उसके बाद 5 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक दिशा उस आदमी के साथ एक गार्डन में थी। वो तो मेरे साथ थी, मुझे मिली थी वो। और उसके बाद से वो किसी को भी नहीं मिली। 7:45 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ और अभी तक स्विच ऑफ है। और अगली सुबह 13 फरवरी को तेरा फोन ऑफ हो गया और तू करेक्ट टाइमिंग पे जमात के लिए निकल गया। लेकिन मेरा जमात जाना तो 2 महीने पहले से तय था। तेरा और दिशा का अफेयर भी 2 साल से चल रहा था ना, तो प्लानिंग तो जबरदस्त हुई होगी। कोई प्लानिंग मेरी नहीं थी मैडम। दिशा को भी पता था कि मैं 13 तारीख को जमात के लिए निकल रहा हूँ, इसलिए हम 12 को मिले। और हम लोग लगभग रोज मिलते थे, या तो फोन में बात होती थी। कुछ छुपा नहीं है, रोज की तरह हम उस दिन भी मिले। 13 तारीख की सुबह घर लौटूंगा। काश मैं भी आई को किसी मेडिटेशन के लिए भेज सकती। रिटर्न में आती आई का माइंड फुल चेंज और कहती, जा दिशा बेटी जा, कर ले अक्रम से शादी। टाइम टाइम की बात है, जैसे मेरे अम्मी अब्बू मान गए ना, वैसे तेरी आई भी मान जाएगी। और फिर बेटा बेटा बोल के मुझे वो क्या बोलते हैं, आप उसकी पूरी खिलाएगी। हाँ, जैसे तेरी अम्मी मुझे सेवैयां खिलाती है। पर यार ऐसा कभी होगा क्या? होगा ना, मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा विश्वास। तेरे भगवान पे विश्वास रख, सब सही हो जाए। अच्छा अक्रम, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। अभी मुस्ताक किधर है यार, जल्दी आना। अरे 8 बजे मुझे पहुंचने का था यार, पार्टी को टाइम दिया है मैंने। सर मुस्ताक बोले तो मेरे असिस्टेंट, वो बहुत सालों से मेरे साथ इलेक्ट्रिक का काम करता है। वो 7:45 बजे मुझे गार्डन में लेने आने वाला था, 7 बजे आया, फिर मैं उसके साथ ही निकल गया। अरे वाह, तूने अपने इस प्लानिंग में अपने असिस्टेंट को भी शामिल कर लिया। कैसा प्लान मैडम? तेरा असिस्टेंट लेट होता है, तू वहीं रुक जाता है और तेरी गर्लफ्रेंड वहां से निकल जाती है। और तू कह रहा है कि तेरी गर्लफ्रेंड किसी और से हंस हंस के बात कर रही थी। अब तू ये कहेगा कि तेरी गर्लफ्रेंड किसके साथ बात कर रही थी, वो तूने देखा ही नहीं। माँ कसम मैंने नहीं देखा सर, मैं तो मुस्ताक के साथ फोन में बात कर रहा था। तेरी गर्लफ्रेंड गार्डन के बाहर अचानक किसी और से हंस हंस के बात कर रही थी, तुझे अजीब नहीं लगा? तूने जानने की कोशिश नहीं की कौन है ये, क्यों है, शक नहीं हुआ तुझे? मेरे और दिशा के बीच में शक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। इसकी कोई खास वजह? प्यार कहते उसे, वही वजह। सर दिशा मेरी नजरों से कभी दूर नहीं रहती, हर वक्त एक एहसास होता है कि वो मेरे साथ है। सर वो मेरी लाइफ की अर्थिंग है, ऐसा वाला प्यार है हमारा। ये जो तेरा अर्थिंग वाला प्यार है ना, इसे संभाल के रख, ये सब मुशायरों में अच्छा लगता है। सर अगर मैंने कोई गलती की होती ना सर, तो मैं आपकी इस बातों से डरता जरूर। सर मुझे पता है पुलिस का पावर क्या है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ सर। लेकिन दिशा के गायब होने से मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो बोलो वो कौन था जिसे दिशा गार्डन के बाहर मिली थी? सर मुझे नहीं पता, मुझे लगा कोई मोहल्ले का पहचान वाला होगा। और सर मुझे थोड़ी पता था कि दिशा उसके बाद घर के लिए निकलेगी लेकिन घर पहुंचेगी नहीं। सर मैं 3 दिन बाद घर आया हूँ, प्लीज पता लगाइए मेरी दिशा कहाँ है। एक हिंदू मुस्लिम लव स्टोरी, फिर लड़की का गायब होना और गार्डन के बाहर वाला वो तीसरा आदमी जो गुमनाम है। सर कहिए वही रेगुलर फॉर्मूला तो नहीं था कि ये अक्रम ऑब्वियस सस्पेक्ट होगा तो इसे फंसा दो और कोई तीसरा आदमी बाजी मार गया और ये दिशा गायब नहीं, अपनी मर्जी से निकल गई। दरअसल हम एक धुंध में फंसे थे, न चाल नजर आ रही थी न पता चल पा रहा था कि कहानी क्या है। माना दिशा वर्तक गायब थी, पर क्या दिशा वर्तक गायब कराई गई थी या दिशा अपनी मर्जी से कहीं चली गई थी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हमें इनवाइट कर रही थी। और सबसे अहम सवाल था ये चार, ये कहानी क्या वाकई में दिशा की थी या दिशा किसी दूसरी कहानी का अध्याय थी। बढ़िया, ठीक ठाक है, समझ गया।
अकरम अभी तक हमारे शक के दायरे से बाहर नहीं है। एक सेकंड भी उस पर से नजर नहीं हटनी चाहिए। भागने भागने की कोई गुंजाइश ना हो। कड़क नजर। हेलो, दिशा की बहन नेहा बोल रही ना तू? हाँ, आप कौन? ध्यान से सुनो, दिशा का संदेश है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करना। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? और दिशा कहाँ है? वो खुद क्यों नहीं फोन कर रही है मुझे? वो सब कुछ खुद ही बता देगी फोन करके। उसके फोन का इंतजार करो। तो कब, कहाँ है वो, ये तो बताओ। मैं वो नहीं जानता, तुम्हें उसके फोन का इंतजार करना होगा। क्या? हेलो, 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 नया फोन कहाँ से आया था? अरविंद, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आई को बता दूं क्या? अरे नहीं नहीं, आई को इन सब चीज से दूरी रखो, नहीं तो बोलेगी क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। देख, हम एक काम करते हैं, सीधे पुलिस के पास जाते हैं और इन्हें बता देते हैं, नहीं तो सामने से उन्हें पता चला ना तो क्लास ले लेंगे हमारी। मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि दिशा क्या गेम खेल रही है हमारे साथ। अरे क्या से क्यों खेल रही है ये बात ना मुझे खाए जा रही है नया। अपने सतारा के एक पीसीओ से कॉल था, वाक्सोली इलाके से। दिशा का कोई दूसरा नंबर? नहीं सर। कोई दूसरा आदमी? अरे सर, सिर्फ एक ही आदमी से प्यार किया उसने। पिछले 2 साल से इंतजार कर रही थी आई के हाँ कहने का, अभी अचानक से दूसरा आदमी कैसे आ जाएगा? और उसका और अकरम का सीरियस था, मुझे नहीं लगता है कि कोई तीसरा आ सकता है उनके बीच। लेकिन ये तीसरा गार्डन में तो आया था। सर आप क्या बात कर रहे हैं सर, दिशा गार्डन में अकरम से मिली थी, लेकिन बाहर आकर वो किसी दूसरे आदमी से भी मिली थी। मिली, हंस हंस कर बातें हुई और उसके 15 मिनट बाद दिशा गायब हो गई। दूसरा? मैम मुझे तो पहले के बारे में नहीं पता था, दिशा और अकरम। मैम मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, हम पार्टनर्स हैं। दिशा का कोई दूसरा नंबर है? मैम उसने बॉयफ्रेंड छुपाया मुझसे, वो भी हमारे साथ काम करने वाला अकरम, तो कोई सीक्रेट नंबर क्यों देगी मुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने चुपके से अकरम के साथ शादी कर ली हो और कहीं और जाके गृहस्थी बसा ली हो उसके साथ? लेकिन आई, अकरम तो यही है ना। तो लोग तो शादी करने के बाद भी अलग अलग रहते और बच्चा करने के बाद भी अलग अलग। आई, हमें जो फोन आया था मालूम नहीं किसका था। लेकिन उसने नेहा को ही फोन क्यों किया? बोल नेहा, उसने तुझको फोन क्यों किया? मुझको क्यों नहीं किया? अरविंद को क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता है कि उसने मुझे क्यों फोन किया। मेरी तरफ देख नेहा, पर पता कि कहां छुपकर बैठी है दिशा। आने की कसम खा के बोलूं कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि वो कहां है। अरविंद, मैं अब भी कह रही हूं कि उनके लफड़े में मत पड़, दूर रहे। आई, कैसे दूर रहूं मैं? नेहा मेरी पत्नी है, उसको यहाँ नहीं लेके आ सकता, इसका मतलब ये नहीं कि उसे मिलने भी नहीं जा सकता मैं। और रानी, रानी मेरी बेटी है, आई तुम्हारी पोती है वो। प्रभावर तक, नेहा वर्तक, अरविंद कटकर, दिशा की पार्टनर शिल्पा, दिशा का बॉयफ्रेंड अक्रम, इन सभी के फोन रिकॉर्ड्स खंगाले, लेकिन इनमें कोई भी नाम या नंबर या पैटर्न ऐसा शो नहीं करा सर जिस पर हल्का सा भी डाउट जाए। और सर, 12 फरवरी को पूरे दिन नेहा और उसकी माँ प्रभा घर पर ही थे और शिल्पा ऑफिस में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिशा की माँ प्रभा ने अपने दामाद अरविंद के साथ मिलकर यह करवा दिया? जी नहीं सर, अरविंद उस दिन दोपहर को ही अपनी ट्रैवल एजेंसी से अपने घर निकल गया था, उसका सेल लोकेशन घर का ही है। हाँ, 12 फरवरी की रात को उसे नेहा का फोन आया, वो घर के बाहर मूव हुआ, पुलिस थाने गया, नेहा को वापस उसके घर ड्रॉप किया और बैक टू अपने घर। और सर, सिर्फ ये अकरम ही है जिसका फोन लोकेशन वीर कुंभलकर गार्डन का शो कर रहा है शाम के 7 बजे तक। उसके बाद उसका असिस्टेंट मुश्ताक आया और उसे पिकअप करके ले गया। ये मुश्ताक, उससे बात की है मैंने सर, उसने कहा कि वो गया था, उसका सेल लोकेशन कुंभलकर गार्डन 7 बजे का है। कहीं अकरम ही तो नहीं जो हमें घुमा रहा? पर क्यों सर, इसकी तो सीधी सी लव स्टोरी है और जिसमें सबसे बड़ी अड़चन दिशा की मां प्रभा है।
पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ये लव स्टोरी इस केस की मेन स्टोरी नहीं, इस केस की मेन स्टोरी कुछ और ही है, कोई सस्पेंस से भरी हुई स्टोरी जिसमें लव दूर दूर तक नहीं। तो फिर रियल स्टोरी क्या है? मुझे पार्टी तक टाइम पर पहुंचना था, बात करते करते नजर घूमी सर, दिशा दिखी सर, सर वो किसी से बात कर रही थी लेकिन सामने कौन था वो देखा नहीं। दिशा फोन पर किसी से बात नहीं कर रही थी, इतना पक्का है, क्योंकि उसके फोन से उस वक्त कोई कॉल नहीं हुआ और वो गार्डन में सिर्फ तुम्हें मिलने आई थी। अब तेरे अलावा कोई नहीं है इस बात को क्लियर करने के लिए कि वहां कोई दूसरा आदमी था, इसलिए दूसरे आदमी की बात बिल्कुल बेबुनियाद है। सर अभी आप ये भी कहेंगे कि किडनैपिंग मैंने ही की है, उसको मैंने ऐसा जगह पे छुपा के रखा है जो सिर्फ मुझे पता हो, और कुछ दिन बाद हम मिलेंगे। हाँ शक तो है तुम पर, और तुम हमारे शक को दूर कर दो। सर यही सच है, मैं उस दिन एक साइट पे वायरिंग कर रहा था और ठीक उसी दिन अकरम भाई की बाइक खराब पड़ गई, और उन्हें शाम को एक पार्टी से मिलना था 8 बजे, और वो शाम 6:30 बजे तक दिशा के साथ थे कुंभलकर गार्डन में। मैं 7 तक पहुंचा थोड़ा लेट, और फिर मैं अकरम भाई को लेकर फटाफट पार्टी तक छोड़ाया बस। तो 7 बजे गार्डन पहुंचा, तूने तेरे अकरम भाई को पिक किया, यहां तक मैं तेरी बात मान लेता हूं, उसके बाद एक्चुअली मैं क्या हुआ मुझता वो बोल। उसके बाद हम पार्टी तक गए। उस पार्टी का नाम दिशा वर्तक तो नहीं है ना? उससे वाक्सोली में मिले, उसका फोन स्विच ऑफ करने के बाद क्या किया, कहां लेकर गए उसे? जबरदस्ती उसकी मर्जी से, वो भी शामिल है इस प्लान में? अल्लाह कसम साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उस दिन, मैं तो दिशा को देखा तलक भी नहीं उस दिन। मैडम आप 4-4 बार पूछ चुकी हैं, थाने बुलाकर भी पूछ चुकी हैं, पर हर बार मेरा जवाब वही है। ठीक है तो 5वीं बार बता दो। मैडम वो लड़का वो लड़की जिसकी तस्वीर आपने दिखाई थी, वो आते थे इसी गार्डन में, हर दूसरे दिन आते थे मिलने के लिए, लेकिन 12 की शाम को कुछ ऐसा हुआ कि वो लड़की किसी और से बात करी, ऐसा कुछ मेरी नज़र में नहीं आया। सर मुझे जितना मर्जी मारना है ना सर मार लो, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। दिशा जिससे बात कर रही थी ना गार्डन में, सर वो उसका लवर नहीं हो सकता सर, प्यार से हम दोनों के बीच में ही है, और सर बहुत मजबूत है सर, उस पर आप कोई डाउट मत कीजिएगा सर। और सर दूसरी चीज़ ये है कि सर मैं आपका टोटली गलत दिशा में हूँ, माजरा कुछ और है, और वो क्या है सर मुझे पता नहीं सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरी जिंदगी है जिसका इस्तेमाल हो रहा था, वो मुझे जानते थे, पर दुख इस बात का है कि मुझे नहीं मालूम वो कौन थे, काफी समय तक पता ही नहीं चला। ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई माँ अपनी सगी बेटी के साथ ऐसा करे, और करने के बाद अपनी बड़ी बेटी और दामाद को मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए भेजे? खुद अगर किया है तो अपने किए पर अटेंशन क्यों लाएगी? सर अगर हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्लान बनाया हो या कोई रायता फैलाने का इरादा हो, तो या तो ये बेहद बचकाना प्लान है या फिर काफी शातिर है, जिसकी वजह से हम अभी तक इस फैले हुए रायते में डूबे हैं और हमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा है। सर यहाँ पे हम ऑनर किलिंग का एंगल खंगाल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी तरफ ये सब कुछ दिशा के अकेले का किया धरा हो। अर्थ ये तभी मुमकिन है जिससे दिशा गार्डन में मिली थी वो भी उसकी इस प्लानिंग में शामिल हो, दोनों मिले, दोनों ने मिलकर दूसरे मजहब वाले आशिक और लोहे की मुट्ठी वाली अपनी माँ प्रभा पर शक डाला और दोनों चुमंतर हो। पर सर दिशा और अकरम का अफेयर पिछले 2 साल से चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रेमी नंबर 2 प्रेमी नंबर 1 हो, और इन सब की प्लानिंग पिछले 2 साल से चल रही हो, अकरम को सिर्फ इस प्लान के लिए पटाया गया होगा। हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि अब ये केस महज मिसिंग केस तो बिल्कुल नहीं लग रहा। सर लाइन 3 पर एक कॉलर है, वो कह रहा है कि आप ही से बात करेगा दिशा वर्तक मिसिंग केस के बारे में। सर हेलो इंस्पेक्टर बोल रहा, अपना नाम नहीं लूंगा मैं लेकिन एक खबर दूंगा। सुन रहा, खबर सुना। ये जो दिशा वर्तक का केस है आप इसे ड्रॉप कर दो, दिशा आपको नहीं मिलने वाली। तुम खबर दे रहे हो, धमकी दे रहे हो? नहीं साहब कोई धमकी वमकी नहीं है, लेकिन बात यह है कि दिशा गायब भी नहीं है। तो कहाँ है? सर वो अब सातारा में नहीं है, यहाँ से दूर चली गई है। अब वो दिशा वर्तक नहीं है, कुछ और है, इसलिए आप केस ड्रॉप कर दो। तुम मुझे कुछ और का मतलब समझा दो, मैं केस ड्रॉप कर दूंगा। वो मुंबई में है। दिशा कुछ और मुंबई में? ओ साहिब वो कुछ और है, वो सातारा में नहीं है, यहाँ से बहुत दूर जा चुकी है।
अब सारी जिंदगी खून पसीना एक करते रहेंगे और उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। लड़की आपके हाथ आने वाली नहीं है साहब, ड्रॉप कर दीजिए इस केस को, आपका टाइम वेस्ट है सर। सातारा मुंबई हाईवे। सर हमारी एक टीम उस ढाबे पर है जहाँ पीसी होता, दो तीन लोगों को खंगाला पर कॉलर भाग गया। केस ड्रॉप करने की बात कर रहा था। योगेश, आरती, हमारा यह केस तगड़ा केस है। दिशा वर्तक यूँ ही गायब नहीं हुई, किसी ने कोई बहुत ही खतरनाक खेल खेला। काफी पसंद है, बाकी चीजें डिस्कस करें। दिशा एक प्रैक्टिसिंग इंटीरियर डिजाइनर थी, सक्सेसफुल थी, और वो ये सब कुछ छोड़कर मुंबई चली गई बाहर डांसर बनने, वो भी अपने पीछे बॉयफ्रेंड और फैमिली को बिना बोले। तभी के तभी ये पूरा एंगल रूल आउट किया गया होगा। सर मैं एक टोटली डिफरेंट लाइन से सोच रहा था, हो सकता है दिशा वाकई में किडनैप हुई हो, इसलिए नहीं कि वो दिशा है बल्कि इसलिए कि वो एक जवान औरत थी। हो सकता है ये किसी ट्रैफिकिंग गैंग का काम हो। फिर ये केस जब उछलने लगा तब वो लोग आपको और फैमिली को हिंट दे रहे थे कि केस ड्रॉप करो, और ये बार डांस वगैरह का बहाना बना रहे थे। पॉसिबिलिटीज बहुत थी, पर असलियत, असलियत क्या थी? असलियत तो तभी पता चल सकती थी जब दिशा हमें मिल जाती या उसके मूवमेंट ट्रेस हो पाते। दो मूवमेंट्स थे, एक दिशा के गायब होने से इस केस के प्रेजेंट टाइम तक, और दूसरा दिशा की पूरी जिंदगी की जर्नी उसके मिसिंग होने तक। ये दोनों जर्नीज आपस में जुड़े हुए थे, पर फाइनली दिशा का एक अतीत था जो हमारे इस केस को दिशा देने वाला था। हर डांस बार में चेक करने के लिए कहो, जब से डांस बार पर से बैन हटा है माहौल पहले जैसा नहीं है। बहुत कम बार ऐसे होंगे जहां पे आप डांस होता है, इसलिए ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। पता तो चले ये दिशा वर्तक खुद अपनी मर्जी से डांस कर रही है या किसी के इशारों पर डांस कर रही है, या फिर ये खबर हमें डांस करवाने के लिए भेजी गई। देख पिछले तीन महीने में जितने भी छोकरी लोग इधर आई है ना, सबका ए टू जेड मालूम है मेरे को, पर ये लड़की इधर नहीं आई है। 12 फरवरी को गायब हुई है सतारा से। इधर के किसी बार में नहीं है, तो मालूम है ना किधर ढूंढने का? किधर? अरे फोरेस्ट रोड जा कमाटीपुरा, उधर के दल्लों में इसका फोटो घुमा ले पकड़। बार डांसर के नाम पे ना बहुत सारी छोकरी लोग को पार्सल करते उधर। दिशा ने हमारी पीठ पीछे अकरम के साथ कोई प्लान तो नहीं बनाया ना? मुझे नहीं पता आई, पर आप ही सोचिए ना, दिशा ने आज तक ऐसा हमारे पीठ पीछे कुछ भी नहीं किया, तो अब क्या करेगी? और वो अकरम वाली बात भी तो उसी ने आपको आके बताई थी। सर उसका कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। सर दिशा कट टू कट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसूलों की पक्की है। अगर दूसरा बॉयफ्रेंड होता तो पहले ही अकरम से तोड़ चुकी होती। शायद तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी, इसलिए उसे फंसाकर 12 फरवरी की शाम को दिशा उस आदमी से मिली, लेकिन हमें ये कोई नहीं बता रहा वो आदमी कौन था। लेकिन सर जरूरी तो नहीं है कि वो प्रेमी हो, कोई जान पहचान का हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई भी हो सकता है। सर होने को तो कुछ भी हो सकता है अरविंद, लेकिन उसी शाम वो मुलाकात होना और वो दो अज्ञात फोन कॉल्स साफ इशारा करते हैं कि यहीं कहीं आसपास कोई गेम खेल रहा। सर मैं वही बोल रहा हूँ जो मैंने देखा। सर अभी आप यकीन करो नहीं करो, सर मैं क्या कर सकता हूँ? तू ये कर सकता है कि समझदारी से काम ले सकता है अकरम। दिशा को जो तूने गायब किया है ना, बस उसको खुलासा कर दे। सर मैंने उसको गायब नहीं किया है, आप 1000 बार पूछोगे सर जवाब वही होगा।
डांस बार, वो जहाँ पे? हाँ वही, मुंबई में सैकड़ों है। सर दिशा ऐसी जगह काम करने के लिए घर से भागी, वो भी अपनी मर्जी से, आप ही बताइए सर। बताना तो आपका काम है, हमारा काम है सिर्फ सवाल पूछना। तो सर मैं पक्का कह सकता हूँ कि किसी ने जबरदस्ती उसका किडनैप किया है, धोखा हुआ है उसके साथ, भरोसा तोड़ा है सर। और सर दिशा इस समय अक्रम पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती है। मैंने दिशा को बेचा है डांस बार में, मुंबई में। सर मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया है, पूरी शिद्दत से सर मैंने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है सर, किसी का पैसा मैंने यहाँ से वहाँ नहीं किया है सर, लोग सर मेरी काम की तारीफ करते सर, शिल्पा और दिशा भी मुझे अपने काम के लिए इनके साइट्स पर लेके जाते, और सर काम करते करते हमें प्यार हो गया सर, तब से हम हमारा रिश्ता कैसे निभा रहे सर ये हमें पता है सर, ये बहुत ही भद्दा इंजाम लगाया हमारे पर। मैडम मुंबई में जितना जैक लगा सका था लगाया, सतारा में फुल टू लड़के दौड़ा, डांस बार, रेड लाइट एरिया, ट्रैफिकिंग वाले एंगल, वो सारे फोन कॉल्स, सारे के सारे शॉर्ट सर्किट है। मैंने तुझे बस और रेलवे स्टेशन पे फील्डिंग लगाने को कहा था, क्या किया ना मैडम? कहीं से कुछ इसलिए सुराग नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरे हिसाब से दिशा ये चाहती है कि वो नहीं पकड़ी जाए। अगर किसी ट्रैफिकिंग गैंग ने रैंडम किडनैपिंग की है तो रडार पे कुछ तो शो हो रहा होता, उनके पूरे नेटवर्क में खलबली मची होती। सर दिशा खुद से गायब हुई होगी, वरना किसी ना किसी रडार पर कोई ना कोई सिग्नल जरूर होता, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में एक भी सुराग नहीं है। और वो फोन्स तो पूरे स्टेज लगते हैं सर, किसी दोस्त वगैरह ने किए होंगे, शायद दूसरे लवर ने। सर दिशा की मम्मी को उसका पहला बॉयफ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो दूसरे रिलीजन का था, बट सर अगर दिशा का दूसरा बॉयफ्रेंड बना हो और अगर वो सेम रिलीजन का हो फिर उसकी मम्मी को क्या दिक्कत होगी? तो मर्डर हो सकता है? यस सर, क्यों नहीं हो सकता? दिशा को मार कर कातिल को क्या फायदा हो, क्योंकि दिशा को इतनी अमीर तो है नहीं कि अपने पीछे कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के जाएगी किसी के नाम पे। हम लोग इस मर्डर वाले एंगल को कुछ टाइम के लिए होल्ड पर रखते हैं और उस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये दिशा अपने आप से भागी है या नहीं। सर 6 दिन हो चुके हैं दिशा को गायब हुए, या फिर यूं कहे कि खुद से भागे हुए। आरती 6 दिन दुनिया से बचकर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है सर, अगर वो किसी होटल में है तो खर्चे हुए होंगे, उसने कैश यूज किया होगा, कार्ड यूज किया होगा। दिशा के बैंक अकाउंट चेक करें क्या सर? बैंक डिटेल्स निकलो और जो जो एंगल साबित नहीं होते उन्हें रूल आउट करते चलते। जी नहीं, दिशा वर्धक के अकाउंट से 10 फरवरी के बाद में कोई भी विड्रॉल्स नहीं हुए। चेक, एटीएम, कोई भी विड्रॉल नहीं? नो सर, दिशा वर्धक के अकाउंट में लास्ट ट्रांजैक्शन 10 फरवरी का ही है, गणेश मंदिर के एटीएम से। दिशा वर्धक ने 3,000 विड्रॉ किया है। हमारी पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट के अलावा दिशा का एक सेविंग अकाउंट भी है जिसके बारे में मुझे पता है। शिल्पा तुम लोगों के लाइन में कैश ट्रांजैक्शन भी तो होते ही होंगे ना, तो दिशा के अकाउंट में ऐसी कोई कहीं से बड़ी रकम आई थी जिसे वो आज भी यूज करती हो? नो मैम, हमारी फर्म में हम पहले से ही चेक्स लेते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत कैश होता था पर नोटबंदी के बाद से अब वो भी बंद हो गया है। दिशा अपना बैंक अकाउंट अगर खुद ही संभालती थी, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पहले भी तुमने हमें अकरम के बारे में नहीं बताया था और अब दिशा को गायब हुए काफी दिन हो चुके हैं तो मामला काफी सीरियस हो चुका है, इसीलिए अगर तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि हमें बताना जरूरी नहीं है तो ऐसा कुछ मत समझो, सब बताओ। आप लोगों को अगर कुछ पता लगे तो हमें जरूर बताइएगा। बेटी आपकी गायब हुई, क्यों गायब हुई है, कहां जा सकती है, ये हमसे ज्यादा अच्छा आप पता लगा सकती हैं और हमें भी बता सकती हैं, पर इसमें ना मुझे आपकी दिलचस्पी नजर आ रही है और ना ही जल्दी। अकरम का बैंक अकाउंट भी चेक किया सर, कोई इरेगुलरिटी नहीं। तो दिशा खुद से नहीं भागी होगी, स्ट्रांग चांसेस हैं कि दिशा का मर्डर हुआ होगा। सर सर पता नहीं कितना हेल्प करेगा, बट दिशा के रिकॉर्ड में एक बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है, दिसंबर 2016 में कैश जमा किए गए हैं पूरे 6 लाख 3 बार में। सर पिछले साल का स्टेटमेंट देखिए, ऑन एन एवरेज दिशा के अकाउंट में हर महीने 1-1 लाख डिपॉजिट किए गए हैं, और सर किसी महीने तो 2 लाख भी किए गए हैं और एक बार 3 भी हैं। इंटीरियर डिजाइनर का काम अच्छा चल रहा है? नो सर, मेरी शिल्पा से बात हुई। नो मैम, इम्पॉसिबल, इतना कैश तो हमारे काम में आता ही नहीं है और वैसे भी पिछले साल हमारा प्रॉफिट इसके आसपास भी नहीं था। तो क्या दिशा का गायब होना इस कैश डिपॉजिट से जुड़ा है? एक और बात है सर, ये देखिए, नवंबर 2016 में दिशा ने किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के अकाउंट में 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं बाय चेक।
सर शायद किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की होगी। और एंड कंसल्टेंट्स, जरा बात करो इनसे। मुझे फ्लैट काफी पसंद है, बाकी चीजें डिस्कस करें। ठीक है, मेरे ऑफिस में बैठ के डिस्कस करते। जी, मैं आरएन कंसल्टेंट से रमेश नाडकर्णी बोल रहा हूँ। दिशा वर्तक ने फ्लैट बुक कराया था अस्मिता कॉलोनी में, वो फ्लैट देखना है। मैं क्यों, क्या बात है सर? दिशा वर्तक गायब है तो फिलहाल उसके फ्लैट में कौन है? अस्मिता कॉलोनी यही सतारा में है, हाईवे के पास। और बड़ी अजीब बात है कि तुम दोनों को मालूम तक नहीं है। दिशा ने तो कभी हमें इस फ्लैट के बारे में कुछ बताया ही नहीं। नेहा, दिशा ने कहीं आई को तो नहीं बताया? क्या, दिशा ने फ्लैट बुक किया लेकिन इतने पैसे उसके पास आए कहां से, और इस बारे में उसने मुझे क्यों नहीं बताया? आई अरविंद और मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया। ये दिशा भी ना, न जाने क्या क्या कर रही है हमारी पीठ पीछे, न जाने और क्या क्या पता चलना है इसके बारे में। नमस्ते सर, फ्लैट की चाबी है मेरे पास। तो फ्लैट दिखाने में इतना नाटक इसलिए? नाटक नहीं साहब, वो दिशा वर्तक ने पूरा पेमेंट किया ही नहीं ना, तो इसलिए पोजीशन दिया ही नहीं अभी तक उसे। हमें सिर्फ फ्लैट देखना है। जी नहीं, दिशा ने मुझे कभी किसी फ्लैट के बारे में नहीं बताया। तुमने हमसे कहा था कि तुम और दिशा एक दूसरे के बहुत करीब हो, एक दूसरे से हर बात शेयर करते हो, तो एक फ्लैट, खुद का घर, एक जोड़े का बहुत बड़ा सपना होता है अक्रम। तो दिशा ने यह सपना अकेले क्यों देखा? ये आप उसी से ही पूछिए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। दिशा वर्तक ने होम लोन के लिए जनवरी सेकेंड वीक में अप्लाई किया था। दिशा वर्तक मिसिंग है और हमारे नोटिस में उसके बैंक ट्रांजैक्शंस आए, उसके अकाउंट में लाखों रुपए जमा हुए, वो भी कैश में। लेकिन उसके करीबियों में से किसी को भी इस कैश के बारे में कुछ नहीं पता, और ना ही इस फ्लैट के बारे में। साहब, उन्होंने पूरा फ्लैट देखा, पसंद आया उनको, बुकिंग अमाउंट भी दी, आगे की सभी इंस्टॉलमेंट्स लगातार देते आए, लेकिन फुल और फाइनल पेमेंट सेटल नहीं हुआ है अब तक। फ्लैट किसके नाम पर खरीदा है? दो लोगों के नाम पर है, फर्स्ट ओनर है दिशा वर्तक। और दूसरा नाम? दिशा वर्तक ने होम लोन के बारे में बात की थी, बट वो दूसरे एप्लीकेंट का नाम नहीं डालना चाहती थी, तो हमने उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की क्योंकि फ्लैट दो लोगों के नाम पे था। सेकंड एप्लीकेंट का नाम क्या है? नेहा अरविंद कटकर। नेहा, दिशा की बहन। पर नेहा कटकर के सिग्नेचर तो है नहीं इस पर। सर, पूरी साइनिंग अभी बाकी है, कुछ फॉर्मेलिटीज भी बाकी है, पर बुकिंग कर दी है। नेहा, क्या जाना? आई, दिशा ने जो फ्लैट बुक किया है उसमें दूसरा नाम उसने मेरा डाला है। नेहा, तुझे सब मालूम था है ना, फिर भी तूने मुझसे झूठ बोला। क्या चल रहा है तुम दोनों बहनों का? दिशा कुठिया है नेहा? भाई, मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ है, और मैंने कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। दिशा ने मुझे ना तो उस फ्लैट के बारे में बताया था, ना किसी और चीज के बारे में। मुझे नहीं पता है आई, मैं तो खुद हैरान हुई सब बातें सुन के। कभी ना कभी इस बात को मुझ तक आना ही था, लेकिन सच बाहर आते आते बहुत देर हो चुकी थी। मैं ही कारण थी, मैं ही पीड़ित थी, लेकिन मैं खुद कई चीजों के बारे में अंधेरे में थी। सर, हम में से किसी को भी इस फ्लैट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, हम तो खुद हैरान हैं ये बात सुन के। नेहा जी, फ्लैट के डॉक्यूमेंट्स पर आपके सिग्नेचर नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि शायद आपको इस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। मैं ये भी मान लेता हूँ कि नेहा की बिजनेस पार्टनर शिल्पा को, अकरम को, किसी को कुछ नहीं पता,
पर दिशा ने ऐसा क्यों किया? कम से कम इतना तो पता होगा आपको। कुछ तो है दिशा का इस तरह से गायब होना, उसके बाद उसके बारे में हर चीज का एक एक करके ऐसे बाहर आना, और आप लोगों का हर बात पे यही कहना कि हमें कुछ भी नहीं पता। देखिए कम से कम मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अकरम के बारे में आपसे पूछा था और आपने कुछ नहीं बताया। सर थोड़ी हड़बड़ाहट में कुछ बातें रह गई थी, लेकिन बाकी जो जो है हमने आपको सब कुछ बता दिया है। सर हमने कुछ छुपाया नहीं है आपसे। तो फिर दिशा ने क्यों छुपाया? उसने फ्लैट खरीदा था, कोई भाजी तरकारी नहीं खरीदी थी कि नहीं बताया तो कोई बात, और ऊपर से उसके अकाउंट में लाखों रुपए कैश में आए थे, और ये कैश कहाँ से आया आप लोगों को कुछ नहीं पता। सर अब नेहा जी का नाम डाला है तो वही जाने, मुझे तो ये बड़ा ही अजीब लग रहा है। पर नेहा का ही नाम क्यों, कोई तो वजह होगी। हाँ दिशा को अपनी बहन की काफी फिक्र है। फिक्र किस बात को लेकर? सर दिशा को ये बात हजम नहीं होती है कि अरविंद अपनी बीवी को मायके में रखता है। सर यही बात से गुस्सा हो जाती थी वो। वैसे मेरे जीजा जी बुरे आदमी नहीं है, पर मेरी नेहा ताई है ना वो बहुत भोली है। कोई आदमी मेहनत कर रहा है ख्याल रखता है तेरी बहन का और रानी का, और वो भी अच्छे से रखता है। हर महीने खर्च के पैसे देना ख्याल रखना नहीं होता अकरम। शादी करके जब नेहा ताई घर आई थी ना, मुझे तभी इतना गलत लगा था अरेंजमेंट की क्या बताऊं। अरे मेरा मतलब शादी के बाद हर औरत को अपना खुद का घर चाहिए होता है, भले ही छोटा हो पर खुद का घर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट पति प्यार करे, सुख दुख में तुम्हारे पीछे सामने साथ खड़ा रहे, ऐसे डरपोकों की तरह नहीं। और अगर डरपोकों की तरह ही रहना है तो फिर मत करो ना शादी। हर किसी की जिंदगी में ना अपनी अपनी मजबूरी रहती है, वो दोनों जो भी हो साथ 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 में है ना। हम दोनों को देख, 2 साल से हाथ पैर मार रहे, पर तेरी आई तस्सीमस नहीं हो रही है। सख्त है पर उनकी सख्ती अकेलेपन से आई अकरम। अकेले सिंगल हैंडेडली उन्होंने मुझे और नेहा ताई को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया ये सब मैं ही जानती हूँ। मैं उन्हें कभी दुखी नहीं कर सकती, भले ही हमें 2 साल और लगे, पर जब तक वो हमें दिल से हाँ नहीं बोलेगी ना हम इंतजार करेंगे। सर दिशा ने अगर अपनी बहन को बताया नहीं कि नए फ्लैट में उसका नाम डाला है तो सर उसकी भी कोई गलती नहीं है ना, शायद वो अपनी बहन को सरप्राइज देना चाहती हो। सरप्राइज तो हमें अकरम, इस बात को लेकर कि दिशा के पास हर महीने लाखों रुपए का कैश कहां से आ रहा था। नेहा मेरी दिशा के साथ कुछ हो तो नहीं गया ना? नहीं आई, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तो फिर वो कहां चली गई? मेरी बच्ची अब तक घर वापस क्यों नहीं आई? हाँ सर दिशा गुस्सा थी, हमारी शादी के बाद भी काफी लंबे अरसे तक वो गुस्सा थी कि मैं उसकी दीदी को मायके में रखता हूँ, अपने घर नहीं ले जाता। सर कैसे ले जाता सर, मैं मेरी आई। दिशा ने फ्लैट के पेपर में नेहा का नाम ऐड किया बिना उसे बताए, शायद वो अपनी बड़ी बहन और उसकी बेटी रानी के बारे में सोच रही थी, उसके फ्यूचर के बारे में सोच रही थी, जो शायद आप नहीं सोच रहे थे। नहीं सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर, नेहा और रानी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे बखूबी निभा रहा हूँ। तो दिशा क्या निभा रही थी, और ये सारे राज उसके गायब होने के बाद ही सामने क्यों आ रहे? काश मुझे भी पता होता सर, और यहाँ ये आलम है कि दिशा एकदम अजनबी सी लग रही है। ये दिशा वो है ही नहीं जिसे मैं पिछले 7 सालों से जान रहा हूँ। शायद पिछले 7 साल से दिशा ये दिशा थी नहीं। मतलब? शायद पिछले 7 साल से दिशा एक दोहरी जिंदगी जी रही थी, किसी खास मकसद के लिए। सर ये दोहरी जिंदगी मकसद क्या कह रहे हैं सर आप, और दिशा ऐसा क्यों करेगी? फ्लैट खरीदने के लिए। पर चुपके से क्यों, और खुद से ऐसे गायब क्यों हो जाएगी? शायद ये बात हम दिशा के मुंह से अब कभी नहीं सुन पाएंगे। मतलब सर दिशा? हो सकता है। तो अकरम ने? फिलहाल कुछ भी कह पाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता दिशा उस शाम को उस गार्डन में अकरम के अलावा किसी से मिली थी। ये दूसरे आदमी वाला एंगल अकरम का बनाया हुआ है, झूठा। अकरम को शायद फ्लैट के बारे में पता चल गया होगा, नेहा सेकंड होल्डर है ये सुनकर जलन के मारे गुस्सा आ गया होगा। लेकिन आपके पास अकरम के अगेंस्ट कुछ भी तो नहीं था, वो 2 अनआइडेंटिफाइड कॉलर्स भी ट्रेस नहीं हो पाए थे, दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही नहीं पा रहा था। हमारे पास एक भी सुराग नहीं था जो हमें दिशा को ढूंढने में मदद करता, पर दूध का दूध पानी का पानी तो दूर की बात है, यहां तो दूध जल गया था और उसकी बू भी दबी ही रह गई थी।
मैडम, इस कहानी में एक किरदार की लेट एंट्री है जिसका अभी तक कभी नाम नहीं आया। कौन है? सुनीता कटकर। अरविंद कटकर से कोई ताल्लुक है क्या इसका? कौन है सुनीता कटकर? बहन है इसकी? बहन नहीं, बीवी। बीवी? पहली बीवी। 9 साल पहले अरविंद और सुनीता की शादी हुई थी। अरविंद, उसकी माँ माला और सुनीता उसी घर में रहते थे जहाँ वो अभी रहते हैं। फिलहाल सुनीता अपने मायके में है अपने बच्चे के साथ। बच्चा भी है इसका? जी मैडम। किसी से कुछ भी नहीं छुपा, हम सबको पता था कि अरविंद की पहली शादी हो चुकी है। दिशा को भी पता है? दिशा को भी पता है। तो यही कारण है कि तुम वहाँ नहीं रहती, यहाँ रहती हो अपने मायके में। जी, हमारे निजी मामलों को कुरेदने से मेरी बेटी दिशा को कैसे ढूंढ पाओगे आप, जरा बताएगा कोई? प्रभा जी, दिशा भी आपका निजी मामला ही है, और जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता जा रहा है हमें आप पर शक कम होने के बजाय और बढ़ता जा रहा है। जो बात हमें घूम घुमाकर इतने दिनों में पता चली है वो बात आप हमें एक लाइन में बहुत पहले बता सकती थी। टाइम और मेहनत दोनों बचती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं बताया क्योंकि इससे दिशा का कोई लेना देना नहीं था। अब उसके बारे में हम सुनीता से खुद पता कर लेंगे, आप लोग हमें कुछ मत बताइए। हलक में डंडा डालकर हम निकाल लेंगे कि सुनीता काटकर का उसके पति अरविंद काटकर के दूसरी पत्नी नेहा अरविंद काटकर की बहन दिशा वर्तक के गायब होने से क्या ताल्लुक है। हेलो, सुनीता काटकर? हो, बोलते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर योगी जोशी बोल रहा हूँ, नंदवाड़ी पुलिस स्टेशन से। बोला। क्या आपको पता है दिशा वर्तक मिसिंग है? कौन दिशा वर्तक, क्या पूछ रहे हैं आप? आप नहीं जानती दिशा वर्तक कौन है? अरे बिल्कुल नहीं, नाम ही पहली बार सुन रही हूँ। कौन है, क्या हुआ है, कुछ बताएंगे आप? सर वो किसी ने पूछा ही नहीं तो मैंने बताया भी नहीं। पूछा तो हमने तुमसे अकरम के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया। पूछा तो हमने तुमसे दिशा के फ्लैट के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता चल गया। और पूछा तो हमने तुमसे तुम्हारी दो शादियों के बारे में भी नहीं था, लेकिन फिर भी पता चल गया। इस केस में कोई भी बिन बुलाया मेहमान नहीं, सबका सबके साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। आई एम श्योर तुम्हारी इन दो शादियों का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक पक्का है। कैसे सर, मैंने कोई बात छुपाई थोड़ी है, और ये कोई बॉम्ब बनाने वाला सीक्रेट फॉर्मूला तो नहीं है ना? एक बॉम्ब तो आज फट चुका है अरविंद, और उसका असर सुनीता के साथ साथ थोड़ा बहुत हम पर भी हो गया है। मतलब ये कि सुनीता को पता ही नहीं था कि तुमने दूसरी शादी की, और इस दूसरी शादी से तुम्हारी एक बच्ची भी है। मतलब सर आपने सुनीता से बात की? क्योंकि तुमने हमसे बात नहीं की अरविंद, अगर तुमने हमसे बात की होती तो हमें वहां फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। 9 साल पहले तुमने शादी की सुनीता से, और 7 साल पहले तुमने शादी की नेहा से। नेहा को, उसकी माँ प्रभा को और दिशा को तुम्हारी पहली बीवी सुनीता और आयुष के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन तुम्हारी पहली बीवी सुनीता को नेहा के बारे में कुछ नहीं पता था। अजीब है ना? हाँ सर, मैंने सुनीता को नहीं बताया था। और क्या यही कारण है कि तुम नेहा को अपने घर नहीं ले जा पाए थे? हाँ यही कारण था। अपनी आई के कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर रहे थे? तुम्ही ने हमें बताया कि तुम्हारी आई नेहा के अगेंस्ट है? हाँ सर, वैसा ही था। अब आपको और क्या बताऊँ? जैसा जैसा था और जैसा जैसा है वैसा वैसा बताओ। दिशा को ऐसा क्या पता चल गया था जो उसे पता नहीं चलना चाहिए था? दिशा को बाकी लोगों की तरह पहले से पता था कि मेरी पहली शादी हो चुकी है सुनीता से। ये सब तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं शादी के पहले तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, और सुनीता इस वक्त प्रेग्नेंट भी है। नेहा, प्लीज मना मत करो। तू काय करू ना निस्त नेहा? ये क्या नेहा ताई, मैं बिना बताए कोर्ट मैरिज कर ली, वो भी शादीशुदा आदमी के साथ। एक बार तो मुझसे बात की होती। आई, अरविंद मुझसे बहुत प्यार करता है। हाँ हाँ, वो तो दिखता है उसका बहुत प्यार। पहले बीवी को तो तलाक नहीं दिया, और अब शादी के बाद ना तुम्हें मायके रहना पड़ेगा। दिशा उसकी मजबूरी है, वो तलाक नहीं ले सकता है। ताई हम हिंदू हैं,
और कानून के हिसाब से एक आदमी और औरत एक ही शादी में बंधे हो सकते हैं। पहली शादी जायज होती है, दूसरी शादी मायने नहीं रखती कोर्ट में। पर हमने भी तो कोर्ट मैरिज की है। ताई, क्या मजिस्ट्रेट को पता था अरविंद की पहली शादी के बारे में? नहीं ना, कल को कोई भी कानूनी मसला खड़ा होता है ना, ना तो तुम्हारी स्टैंडिंग होगी कोर्ट में, ऊपर से बेइज्जती होगी भरपूर, वो अलग। दिशा, तू नहीं समझेगी, आई हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादियां कोर्ट में नहीं दिल में होती है। यार में बहुत ताकत होती है दिशा। हाँ तो थी हमारी मजबूरी, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम सब एडजस्ट कर लेते सर, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। आप लोगों ने सुनीता से क्यों बात की सर? क्यों दखल दिया हमारे निजी मामलों में? सब कुछ खराब कर दिया। सब कुछ क्या था वो सब कुछ? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम सुनीता से अलग नहीं हो पाए? सब मेरी मजबूरी बस इतनी थी कि सुनीता से नेहा को छुपाना था बस। अरे वेड़ा झाला इसका तू? उस नेहा को घर लेके आएगा? तेरे वो ट्रैवल्स के बिजनेस के बारे में सोचा है कभी? आई, मैं नेहा से प्यार करता हूँ। आचार डालने का है उस प्यार का? अरे 2 मिनट नहीं लगेंगे सुनीता को तुझे जेल भेजने के लिए, ऊपर से वो पेट से है और तेरा ये ट्रैवल्स का बिजनेस है ना, वो सब उसके बाप ने दिया हुआ है, सब छीन लेंगे तुझसे। आई, मुझे ये सब नहीं मालूम है, मेरा नेहा से प्यार है बस। पर वेड़ा है इसका तू? शादी कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है? पसंद आई घर में लेके आया, पसंद नहीं आई बाहर फेंक दिया। देख कान खोल कर सुन ले, नेहा इस घर में कदम नहीं रखेगी। वो सुनीता को इतने सा भी पता नहीं होना चाहिए कि तूने इतना बड़ा कांड किया है। और इस मामले में मैं बिल्कुल पिघलने वाली नहीं हूँ। और क्यों पिघलू? अरे तू तो डूबेगा ही और हम सबको साथ लेकर डूबेगा। क्यों छुपा आपने मुझसे आई? हाँ? बोला ना कशला। मैंने अरविंद को नेहा से दूर रखा था। आपने अरविंद को नेहा से दूर रखा था या मुझे सच्चाई से? सुनीता बेटा, तू पेट से थी, अगर तुझे कोई तकलीफ होती तो वो मैं देख नहीं पाती। और इस मामले का कुछ मतलब ही नहीं तो बताने से क्या फायदा? कुछ नहीं। कुछ नहीं? अरविंद को उस औरत से एक बेटी है और आप कह रही कि कुछ भी नहीं हुआ? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? ना आपकी हिम्मत हुई ना अरविंद की, आप लोगों ने मुझे समझ के रखा है क्या हूँ मैं? मेरी नजर में अरविंद की एक ही पत्नी है और वो है तू। ये सारी बातें दिमाग से निकाल दे, तेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये मेरी जुबान है। ये फैमिली ड्रामा जो भी हो, एक बात तो तकरीबन तय है कि दिशा खुद से गायब नहीं हुई, उसे गायब कराया गया जबरदस्ती, सतारा से या फिर इस दुनिया से। सर अगर मर्डर है तो मोटिव भी तगड़ा होना चाहिए, किसका फायदा होता? इस सुनीता पर मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 7 साल से इसके पति की पैरेलल गृहस्थी चल रही थी और ये मैडम बेखबर थी, इन्हें कुछ पता ही नहीं था? नहीं पता था और ना ही मुझे बताया गया। पर आपने पता किया सुनीता, आपने पता किया कि आपके पति कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, और शायद इस सब में आपके साथ दिशा भी मिली। सर झूठ बोल रहे हैं, जिस दिशा के बारे में आप बात करें उस दिशा को मैं जानती तक नहीं। आप एक काम कीजिए, पैक करवा के रख दीजिए, मेरे मिस्टर आएंगे पिकअप करने के लिए, पेमेंट पर डेट्स करते हैं। जी ठीक है, आप फोन नंबर वगैरह लिखवा दीजिए। अच्छा, अरविंद कटकर नाम है, यही 10 मिनट दूर उनका ऑफिस है, आप चाहिए तो वहाँ भिजवा दीजिए। अच्छा अच्छा, अरविंद ट्रेवल्स वाले ना? हो तेज, सलाम ये थे। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि पिछले 7 साल से इसके पति की पैरेलल गृहस्थी चल रही थी और ये मैडम बेखबर थी, इन्हें कुछ पता ही नहीं था? उस शादी से इनकी दूसरी बच्ची भी हुई, उस तरफ सबको पता है लेकिन सुनीता को कुछ नहीं पता, ये तो अजीब है ना सर? अजीब तो है। तो क्या सुनीता को पता चल गया था, उसने दिशा को गायब करा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि असली टारगेट नेहा थी और दिशा को गलती से उठा लिया गया? तो
क्या सर दिशा को गार्डन तक फॉलो किया गया होगा? मिस्टेकन आइडेंटिटी, दिशा को नेहा समझा गया। पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि दिशा अपने घर के अंदर से नहीं, घर से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर गायब हुई। ऐसा नहीं है कि वो अपने घर के अंदर सो रही थी, कोई घर के अंदर आया और गलत लड़की को उठाकर ले गया। एड्रेस लिख लो, काम आज ही हो जाना चाहिए। सर हो सकता है गलती सुनीता से हुई या उन लोगों से जिन्हें सुनीता ने हायर किया। और सर जो अकरम कह रहा था कि दिशा गार्डन के गेट के बाहर किसी और से बात कर रही थी, इतना तो जरूर लगता है सर कि दिशा को किसी ने तो अपने रास्ते से हटाया। अब वो किसके रास्ते में थी, उसे रास्ते से क्यों हटाया गया, किसने हटाया, ये बात तो हमारे सामने बहुत जल्द आने वाली है। पर फिलहाल स्पॉटलाइट सुनीता पर डालते हैं। सुपारी किसे दी? एक तो मैंने आज इतना बड़ा धोखा खाया है, 7 साल से मेरे पति का दूसरा परिवार चलता आ रहा है और आप मुझसे कह रहे हैं कि उनकी दूसरी पत्नी की बहन को मैंने मरवाया, जिसे मैंने आज तक कभी देखा तक नहीं है। शायद यही गलती हो गई। इस देखने ना देखने के चक्कर में आपने हत्यारों को गलत लड़की पॉइंट कर दी। मारना नेहा को था लेकिन मारी गई दिशा। दिशा की लाश कहाँ? आरती सुनीता के फोन लोकेशन में तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। सर सुपारी फेस टू फेस दी गई होगी। हो सकता है। वैसे आरती हमारे पास शक करने लायक एक डिटेल है और वो ये कि दिशा के गायब होने के अगले दिन यानी कि 13 फरवरी से सुनीता का फोन लोकेशन सातारा नहीं वाई है। सर दिशा को किडनैप करवाने के बाद वो अंडरग्राउंड चली गई होगी वाई में, इस इंतजार में कि कब ये केस अनसॉल्वड क्लोज हो जाए। सुनीता हाँ। सब रख लिया ना? हाँ बाबा ही गया। और पहुंचते से फोन कर देना, भूलना नहीं। हाँ बाबा, ऐसे पेश आ रहे हो जैसे पहली बार जा रहे हो। और छोटे अरविंद आज ही अजूबा को तंग मत करना, ठीक है? ठीक है दादा। आपने किराए के हत्यारों से फोन पर बात की ही नहीं, अब सीधे आमने सामने मिली, डील दी और दिशा को मारने की सुपारी दी। लेकिन मैं जिसे जानती तक नहीं उसे क्यों मरवाऊंगी? आपका काम उसे जानना था, आपका काम था उसे मरवाना और आपने वही किया। आप सिर्फ इतना जानती थी कि नेहा आपके पति की दूसरी पत्नी जो आपकी जगह लिए बैठी। आपने हत्यारों को नेहा को मारने की सुपारी दी लेकिन हत्यारों ने गलत समझा, गलती की और दिशा का काम खत्म कर दिया। जी नहीं। जी हाँ। और ये हुआ 12 फरवरी और 13 की सुबह को आपको ये एहसास हो गया कि आपसे गलती हो गई, इसलिए आपने सामान समेटा और जल्दबाजी में निकल गई अपने मायके वाई। थाम्बा। मुझे वाई जाना ही नहीं था। प्रोग्राम अचानक से तब बना जब मेरी सास ने जोर दिया, आग्रह किया, कुछ ज्यादा ही किया कि मैं उसी दिन 13 फरवरी को वाई के लिए निकल जाऊं। अरे सुनीता, तू और आयुष आज ही वाई के लिए निकल जाओ, गाड़ी के लिए मैंने अरविंद को बोला है। लेकिन आई ऐसे अचानक का शराब, बात क्या है, क्या हुआ? तू सरखा बनाई चीज की ने, मुझे मायके जाना है मायके जाना है, तो मैंने सोचा कि मैं आज ही तुझे मायके भेज दूँ। अरे आई पर मेरा जाने का मन ही नहीं है। सुनीता तू वहाँ पहुँचेगी ना तो मन वन तेरा सब ठीक हो जाएगा। ठीक है जा, फटाफट पैकिंग कर ले, गाड़ी आती होंगी। ऐसा जोर उन्होंने पहले कभी नहीं दिया, मानो कोई अर्जेंट बात थी, जबरदस्ती कह सकते हैं आप, एकदम से प्लान बना और मुझे भेज दिया। अरे जो पूछना है यहाँ यहीं पे पूछो ना, मुझे क्यों लेके जा रहे हो बाबा पुलिस स्टेशन? अरे देवा रे देवा, क्या जमाना आया है। आधी बहुए तो चिल्लाती है कि सास मायके आराम करने के लिए नहीं भेजती, और मैंने मेरी बहू को आराम करने के लिए भेजा मायके, तो मैं बुरी हूँ? बात अच्छी बुरी की नहीं है माला जी, बात है 13 फरवरी की सुबह की। 13 फरवरी की सुबह को आपके घर में ऐसा क्या हुआ था कि आपने अपने पोते आयुष और अपनी बहू सुनीता को जबरन गाड़ी में बिठाकर उसके मायके भेज दिया? बहू को आराम करने के लिए मायके भेजा था तो गुनाह हो गया? कैसा गुनाह, किस गुनाह की बात कर रहे हैं आप? आप खुल के बताइए। 12 फरवरी की रात को तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जब नेहा ने टेंशन में आकर तुम्हें फोन किया था, क्या तुम घर पर थे? हाँ। उसके पहले पूरे दिन भर में क्या तुम दिशा से मिले थे? नहीं। उस शाम को दिशा तुम्हारे घर आई थी या उसे लाया गया था? देख नेहा, तुझे कसम है, एक बात सच सच बताएगी, क्या चल रहा था अरविंद और दिशा के बीच? मुझे नहीं पता। अकरम भाई, दिशा के जीजा अरविंद
उसको और उसकी माँ को और साथ में उसकी पहली बीवी को पुलिस अंदर की है। क्यों, दिशा के बारे में कुछ पता चला क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि तीनों को पुलिस अंदर की। कुछ तो हुआ था माला जी, वरना आप 13 फरवरी की सुबह को आयुष और सुनीता को पार्सल बनाकर वाई नहीं भेज। हाँ हुआ था, लेकिन बहुत पहले हुआ था। मूर्खता की हद पार की थी मेरे अरविंद ने। कोर्ट में जाकर शादी करके आया वो नेहा के साथ। लेकिन ये शादी तो उसने 7 साल पहले की थी। 12 फरवरी को क्या हुआ था? मार डाला अरविंद ने उस दिशा को, मार डाला। अरविंद और राजू गाड़ी लेकर घर आए, दोनों डर के मारे कांप रहे थे। मारून टाकलं मी तिला। पण का? कटकट ट्रेवल्स, राजू अरविंद, तू ना गाड़ी ना कुंभलकर गार्डन ले। आज साला ये काम खत्म ही कर डालते हैं। लेकिन भाऊ, मर्डर करना बैट बॉल का खेल नहीं है। अरे हम इंतजार करते रहेंगे तो प्लानिंग ही रहेगी हाथ में, और कुछ नहीं रहेगा। देख आज का दिन ना बहुत अच्छा है, मैं अपना मोबाइल भी घर पर भूल आया हूँ। तू बस इसको ना गुड लक समझ ले और ताबड़तोड़ गाड़ी ले आ गार्डन में। आज अचानक से कैसे बुला लिया? तू बताना बस, आ रही है क्या यहाँ पे? दिशा? जीजू, आप यहाँ? अरे मैं बस यहीं से गुजर रहा था, पास में पार्टी है ना, उसी से मिलने आया था। तू किधर? कुछ नहीं, बस घर ही जा रही हूँ, अक्रम से मिलने आई थी। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, नेहा और रानी से मिलने। चलो ठीक है, चलते हैं। अरे दिशा, तुम्हारा फोन दो ना, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है। मैं अपना फोन घर पे ही बुलाया हूँ। हाँ जी जो, लीजिए। थैंक यू। आई वो लाश को ठिकाने नहीं लगा पाए। आई वो मेरा फोन घर पे ही छूटा है ना, नेहा का फोन आएगा। वो फोन करेगी और तू वहां जाएगा? आई जाना ही पड़ेगा ही मुझे। लाश को पीछे रख दे। कल सुबह सुनीता और आयुष को मैं वहीं भेजती हूँ, फिर कल रात को लाश को ठीक तरह से ठिकाने लगाना, समझा? चलो कंस्ट्रक्शन साइट। सर वो अभी वहां नहीं है। तो भाऊ सारी टेंशन खत्म। क्या हो गया? दिशा की बॉडी की कभी बदबू नहीं आएगी। क्या किया तूने? अरे कल रात को मैं वहां गया था, एक कुत्ता मार डाला और कब्र खोदी, उसी कुत्ते को उसी लेवल पे लिटा दिया, ऊपर से और नीचे मिट्टी डाल दी। अबे क्यों? क्यों मतलब, अरे भाऊ लाश की बदबू के साथ साथ कुत्ते की बदबू आएगी। लोग खड्डा खोदेंगे, कुत्ता देखा है वो लाश पे, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। अरे कुत्ते की लाश के नीचे दिशा की लाश भी तो मिलेगी बेवकूफी औलाद। किसने बोला था उस मूर्ख राजू को भेजने के लिए? आई आता काय करू ते सांग माला। ते पण सांगायला हवंय। अरे गाढव, जल्दी से जल्दी वहां से लाश को निकालना होगा। अरे राम राम माला मौसी, कसा काय, बहुत दिनों के बाद याद किया। गिरीश मुझे मदद चाहिए। अरे तू एक बार आवाज देकर तो देख मौसी, तेरे लिए तो अपन कुछ भी कर देगा। बोल कितने लाख चाहिए? लाख नहीं, लाश। लाश?
गिरीश और राजू दोनों ने मिलकर लाश को खोद निकाला। गिरीश दिशा की लाश को अपनी जमीन पर ले गया रानलेर में। इस गिरीश और राजू को तुरंत उठो। सर। सर। तो अरविंद क्यों दिशा के जिंदा रहने से तुम्हें क्या खतरा था और उसे मारकर तुम्हें क्या फायदा हुआ? सर, ब्लैकमेल कर रही थी मुझे वो। आपने जितने पैसे देखे ना उसके अकाउंट में सब वो मुझसे ऐटे उसने। किस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही? मेरी पत्नी सुनीता उसे नेहा के बारे में कुछ नहीं मालूम है और दिशा को पता चल गया था कि सुनीता कहाँ रहती है कौन है क्या है। सर ये दिशा पैसे मांगने लग गई थी अपना मुंह बंद रखने के लिए धमकियां देने लग गई थी कि सुनीता को जाकर सब कुछ बता देगी। आप एक काम कीजिए पैक करवा के रख दीजिए मेरे मिस्टर आएंगे पिकअप करने के लिए। अरविंद कट कर नाम है उनका यही 10 मिनट दूर उनका ऑफिस है आप चाहिए तो वहां भिजवा दीजिए। अच्छा मैडम। दिशा जासूसी करने लग गई थी उसे ये भी पता चल गया था कि ये जो मेरा ट्रैवल्स का बिजनेस है वो सुनीता के बाबा ने मुझे दहेज में दिया। सर बस इसी डर से कि सुनीता सब कुछ छीन कर अपने मायके चली जाएगी हमेशा के लिए मैंने नेहा को अपने घर नहीं लेके गया। और सर ये दिशा ने इसी बात को अपना तीर बना लिया था। अब क्या चाहिए तुम्हें? जीजो घर के अंदर नहीं बुलाओगे? दिशा तुम ऐसा क्यों कर रही हो यार? अरे जीजो मुझे सुनीता ताई से नहीं मिलाओगे? दिशा लाखों ले चुकी हो तुम मुझसे अब मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। 5 लाख बाकी है लास्ट 5। शर्म कर दिशा मैं तेरा जीजा हूँ तेरी दीदी का पति हूँ मैं। पति? कानून के नजरों में तुम कोई पति वति नहीं हो फ्रॉड हो फ्रॉड और सिर्फ मेरी नेहा ताई के साथ नहीं अंदर जो मेरी सुनीता ताई है ना तुमने उनके साथ भी फ्रॉड किया है। कल को जीजो का कोर्ट में बात खुल गई तुम तो अपने हाथ खड़े कर दोगे पल्ला झाड़ तो साफ कह दोगे कि मेरा नेहा वर्तक से कोई रिश्ता ही नहीं है और कानून तुम्हारी बात मानेगी फिर उसके बाद क्या? हाँ पूरी दुनिया मेरी नेहा ताई को दूसरी औरत रखी हुई औरत बोलेगी उसकी इज्जत आपकी इज्जत आपका बिजनेस सब सलामत रहे। इसकी कीमत है 5 लाख तो कल शाम 4 बजे तक 5 लाख कैश रेडी चाहिए तो मतलब चाहिए समझे? कभी 1 लाख मांगती कभी 2 कभी 3 तो कभी 4 उस दिन 5 मांगा। सर 2 सालों में लाखों पैसे ऐटे उसने मुझसे थक गया था सर मैं थक गया था पैसे दे देकर थक गया था मैं डर डर के जीने से और ये अभी की बात नहीं है सर काफी पहले तय कर लिया था कि साली को खत्म कर दूंगा उस दिन मौका मिला तो कर दिया सर। अरे मूर्ख अगर उस नेहा के साथ शादी नहीं करता तो अजय नौबत नहीं आती। नहीं आई आपने मेरी जबरदस्ती शादी सुनीता से करवाई सिर्फ इसलिए कि उसका बाप मालदार था मुझे ये शादी नहीं करनी थी आई। अगर मैं अपने आप को रोक लेता ना तो ये बुरी नौबत नहीं आती। अगर तुम दिशा के कत्ल करने से भी अपने आप को रोक लेते ना तो तुम्हारे अच्छे दिन बने रहते बहुत वक्त मिलेगा माँ बेटे को बैठकर आराम से सोचना कि जो किया क्यों किया आत्म मंथन करना। मतलब आप मुझ बुढ़िया को अंदर जेल में डालेंगे? हाँ जी क्योंकि आपने लाश को ठिकाने लगाने में पूरी प्लानिंग की। वैसे वो दो कॉल किसने किए थे जो एक हमें किया गया था और एक नेहा को? मैंने तुम पे कितना भरोसा किया तुमसे कितना प्यार किया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नेहा ये दिशा ने मुझे ब्लैकमेल कर दिया। अगर तुमने से प्यार किया होता भरोसा किया होता तो बहुत पहले अपनी पत्नी को तलाक दे चुके होते और दिशा के बारे में भी मुझे बताते। दिशा मेरी बहन थी
मेरी छोटी बहन, उसने गलती की थी, पर अब मैं उसे पूछ भी नहीं सकती कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो हमारे घर का चिराग थी जिसे तुमने बुझा दिया। मैं उन्हें जानती तक नहीं थी, कभी मिली नहीं उनसे, वो मुझसे नहीं मिले। दिशा मुझे पहचानती थी लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। एक हादसा, एक लम्हा कितनी चीजें बदल देता है। ब्लैकमेल के डर से उसे तंग आकर एक साधारण आदमी क्रिमिनल बन गया। अपने सरदर्द को हटाने के लिए एक इंसान को ही रास्ते से हटा दिया। लेकिन उसने खुद जो किया, दूसरी शादी पहली बीवी को बिना डिवोर्स दिए, वो भी तो कानून की नजरों में एक जुर्म ही है। उसने खुद को ब्लैकमेल कराने जैसा काम ही तो किया। दिशा के अलावा कोई और भी तो उसे ब्लैकमेल कर सकता था। सही कह रहे हो तुम दोनों, अक्सर इंसान खुद वो हालात पैदा करता है, खुद वो माहौल बनाता है जिसमें जुर्म आसानी से जन्म ले सकता, पनप सकता। इस केस में अरविंद ने अपनी पहली बीवी से दूसरी बीवी का राज छुपाया, जो अपने आप में एक मौका था दिशा के पास जुर्म करने के लिए। कब समझेंगे लोग कि जुर्म वो शमा है जिसमें हर मुजरिम परवाना जलता ही है, बचने की कोई गुंजाइश नहीं हो। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।